नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार, केमिस्ट्री टीचर। आज आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि मैं आज आपको क्लास टेंथ का केमिस्ट्री में पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, क्लास टेंथ में केमिस्ट्री के किताब में ये पहला लेसन है। यह पहला लेसन समझिए कि केमिस्ट्री का ज्ञान, अगर इसको अच्छे तरह से समझ जाते हैं तो हमें सबसे पहला चीज ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या बनता है, इन सारे चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो चलिए, आज हम इसी चैप्टर पर हम बात करेंगे और इसी चैप्टर को हम अच्छे तरह से समझेंगे। तो मैंने बताया क्लास टेंथ हो गया और सब्जेक्ट है मेरा केमिस्ट्री। और लेसन का नाम होगा, लेसन का मतलब होता है पाठ। लेसन पहला होगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्लास टेंथ हो गया और केमिस्ट्री है, लेसन वन है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, ये चैप्टर मैं शुरू किया हूँ और ये चैप्टर का जो है डिटेल्स आपको दिया जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये रहा चैप्टर का नाम, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, और नीचे अंग्रेजी में लिखा गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या बनता है, इसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीज बताना चाहता हूँ, जिससे आपको कम से कम कंपाउंड का मतलब यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने आ जाए। जब तक आप रासायनिक सूत्र लिखना नहीं जानेंगे, केमिकल फॉर्मूला लिखना नहीं जानेंगे, तब तक ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। और एक और बात, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए, कंपाउंड का रासायनिक सूत्र बनाने के लिए, यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाने के लिए, सबसे पहला बात यह है कि हमें जो है पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल के बारे में समझना होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पहले बेसिक पे काम करना होगा, बेसिक चीज जानना होगा। तो सबसे पहला चीज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल। बिल्कुल प्यारा सा वर्ड है पॉजिटिव रेडिकल। इस पॉजिटिव रेडिकल को एक और चीज से जाना जाता है, इसको बेसिक रेडिकल भी कहा जाता है, या इसको हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, धनात्मक मूलक, और इसको हम कह सकते हैं हास्मिक
अब जरा सा बात ये है कि ये जो पॉजिटिव रेडिकल है और या बेसिक रेडिकल है, इसका हम डिफिनेशन पहले जानेंगे कि आखिरकार ये है क्या। देखिए, कुछ ऐसे परमाणु होते हैं या कुछ ऐसे परमाणुओं का समूह होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस तरह के परमाणु को या परमाणुओं के समूह को पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल कहा जाएगा। फिर से, जब किसी परमाणु पर या परमाणुओं के समूह पर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसे हम पॉजिटिव रेडिकल कहते हैं। फिर से एक बार और, जब किसी परमाणु पर या परमाणुओं के समूह पर अगर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ हो तो उसे हम पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल कहेंगे। पॉजिटिव रेडिकल को धनात्मक मूलक कहते हैं और बेसिक रेडिकल को भास्मक मूलक कहा जाता है। थोड़ा अंग्रेजी पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि हिंदी सीखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में अंग्रेजी में ही लिखा जाता है इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे Na प्लस NH4 प्लस Ca प्लस 2 Zn प्लस 2 Li प्लस Al प्लस। तो ये जितना भी यहाँ पे परमाणु लिखा गया है, इन सभी परमाणुओं पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होने के चलते इसे हम पॉजिटिव रेडिकल या भास्मिक मूलक कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, एन से नाइट्रोजन होता है, एच से हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन चार है, ये परमाणुओं का समूह है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसे भी पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल कहा जाएगा। तो फिर से, जब भी परमाणु या परमाणु के समूह पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम बेसिक रेडिकल या पॉजिटिव रेडिकल कहेंगे। तो चलिए, अब हम जानेंगे कि कौन कौन सा ग्रुप है जो पॉजिटिव रेडिकल कहलाता है, मींस बेसिक रेडिकल कहलाता है। यानी कि अब सीधी सी बात यह है कि अब हम ये जानेंगे कि पॉजिटिव रेडिकल कौन होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल का सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव रेडिकल का वैलेंसी क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज ये है, नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल, या ऐसे भी लिख सकते हैं नेम ऑफ बेसिक रेडिकल भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन, अभी लिखते रहेंगे, इस चीज को कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और अपने आई को ओपन कर लीजिए, माइंड ओपन कर लीजिए, आई और माइंड ओपन करके इस चीज को देखते रहिए। 20 से 30 मिनट तक इस चीज को देखेंगे और आप अपने कॉपी पर कलम की सहायता से नोट करते जाएंगे, क्योंकि अगले वीडियो में आपको फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाया जाएगा, जिसमें आपको पॉजिटिव रेडिकल का यूज होगा, नेगेटिव रेडिकल का भी यूज होगा, तब आपको फॉर्मूला लिखने आएगा। तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि 20 से 30 मिनट के लिए आप अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट हो जाइए। इसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लिथियम, लिथियम यहां पे लिख देते हैं सिंबल, सिंबल का मतलब संकेत हो जाएगा, हाइड्रोजन का सिंबल H होगा, सोडियम का संकेत Na हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम होता है, इसका लैटिन नाम नाइट्रियम होता है, तो इसमें से N और A ले लिया जाता है, इसीलिए इसका संकेत
Na हो जाता है, कैल्शियम के लिए Ca हो जाएगा, मैग्नीशियम Mg हो जाएगा, अल्मोनियम Al हो जाएगा, लिथियम Li हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका सिंबल हो गया। अब इधर जगह नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद होता है वैलेंसी। आपको तो पता ही है कि सिंबल का मतलब होता है संकेत, मतलब जिससे सूचित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को H से सूचित किया जाता है, सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वैलेंसी क्या है। देखिए, वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। देखिए, संयोजकता क्या है? जब कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसकी संख्या वैलेंसी कहलाता है। फिर से, जब कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जितना इलेक्ट्रॉन को निकालेगा उसकी संख्या वैलेंसी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक परमाणु मान लेते हैं, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो इस पे प्लस होगा। इस तरह से अगर बी से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो बी पर दो प्लस हो जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है उस पर प्लस हो जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो एक प्लस चार्ज होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो दो प्लस चार्ज होगा। इस तरीके से कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उसकी संख्या को वैलेंसी कहा जाएगा। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है इसलिए इसकी वैलेंसी एक होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है इसलिए प्लस एक होगा, कैल्शियम का होगा प्लस टू, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को निकालता है इसलिए वैलेंसी प्लस टू होगा, एल्यूमिनियम का प्लस तीन होगा, लिथियम का प्लस वन होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाया जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये सिंबल और वैलेंसी याद हो जाएगा। तो चलिए, अब इसको हम नोट कर लिए हुए हैं, अगला स्टेप देखते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है, सारे चीजों को बताया जाएगा। जब तक आप पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल के बारे में नहीं समझेंगे आपको फॉर्मूला बनाने नहीं आएगा। लिथियम हो गया, उसके बाद हम ले लेते हैं अमोनियम, अमोनियम उसके बाद ले लेते हैं फेरस, फेरस और एक ले लेते हैं फेरिक, फेरस। ये वाला सेंटेंस जो होता है, ये जो वर्ड जो लिखे हैं, सॉरी ये वर्ड, इस वर्ड को हम कहते हैं अस और इस वर्ड को कहते हैं हम इक। अभी हम बताएंगे कि अस और इक में क्या अंतर है। इसके बाद होता है क्यू क्रॉस, तो ये अस हो गया। उसके बाद होता है क्यू प्रिक, ये हमारा एक हो गया। तो जहां ओ यू एस लगा होता है उसको अस पढ़ेंगे, जहां आई सी लगा होगा उसको हम एक पढ़ेंगे। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे लिखते हैं मर क्यूप्रस, उसके बाद मर क्यूरिक, मर क्यूरिक। अमोनियम का सिंबल जो होता है वो होता है NH4+1, फेरस का Fe होता है, फेरिक का भी Fe होता है, और क्यूप्रस का Cu होता है, इसका भी Cu होता है, मर्क्यूरस का होता है Hg, मर्क्यूरस का संकेत Hg इसलिए होता है क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है हाइड्राजेरम, जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे हाइड्राजेरम। हाइड्राजेरम में एच और जी आता है इसलिए इसका संकेत Hg लिखा हुआ है, इसका भी Hg होता है। इन दोनों को पारा बोला जाता है, इसे पारा भी कहा जाता है। पारा एक धातु है जो द्रव के अवस्था में होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है इसलिए इसके वैलेंसी प्लस वन होगा, फेरस प्लस टू होगा,
फेरिक प्लस थ्री होता है। याद रखिएगा, अगर फेर अस है तो अस का मतलब होगा कम वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी कम हो, और इक का मतलब होता है कि उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी। यानी कि अस और इक में यही अंतर है कि जहां भी अस रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वहां उसकी वैलेंसी कम होगी, और जहां पे इक लगा होगा उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी। अगर क्यूप्रस और क्यूप्री के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका वैलेंसी प्लस टू, जहाँ यहाँ पर फेरस में देखेंगे तो दो है तो एक बढ़ गया तीन। उसी तरह क्यूप्रस में अगर प्लस वन अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो इक के केस में प्लस टू हो जाएगा। याद करने का आसान तरीका है, फेरस के केस में प्लस टू, फेरिक के केस में प्लस तीन, एक बढ़ गया, क्यूप्रस के केस में प्लस वन, क्यूप्रिक के केस में प्लस टू हो गया, एक बढ़ गया। मर्क्यूरस प्लस वन, मर्क्यूरी प्लस टू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं, अगर अमोनियम होगा तो NH4 होगा, फेरस होगा Fe होगा, फेरिक होगा Fe होगा, क्यूप्रस होगा Cu होगा, क्यूप्रिक रहेगा Cu होगा, मर्क्यूरस रहेगा Hg होगा, मर्क्यूरिक रहेगा Hg होगा। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक को पारा के नाम से भी जाना जाता है, इसका लैटिन नाम हाइड्राजेरम होता है, इसलिए इसका संकेत Hg लिखा जाता है। जहाँ पे अस रहेगा वहाँ पर उसकी वैलेंसी कम होगी, और जहाँ पे इक रहेगा वहाँ पर उसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी। यानी कि अस जो होता है कम वैलेंसी को सूचित करता है, और इक जो होता है ज़्यादा वैलेंसी को सूचित करता है। एक एक चीज को बताएंगे, अच्छा से बताएंगे, इसीलिए समझाने में जो होता है टाइम ज़्यादा लग जाता है, वीडियो बड़ा बन जाता है। अब इस सिचुएशन में हमने देखा, और भी कुछ पॉजिटिव रेडिकल है उस पर भी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे नेगेटिव रेडिकल। जरा देखिए, इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो मेरे पास हो जाएगा बेरियम, उसके बाद देखा जाए तो होता है स्टैनिक जो होता है, इसका भी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वैलेंसी होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो होता है क्रोमिक, और भी सारे चीज दिए हुए हैं जिसे हम लिख देते हैं सिल्वर। पोटेशियम बेरियम के लिए होगा Ba, स्टेनस के लिए होगा Sn, स्टैनिक Sn, क्रोमिक Cr, सिल्वर Ag, पोटेशियम के। अब यहाँ पे सिल्वर के लिए संकेत S होना चाहिए या Si होना चाहिए, लेकिन इसका लैटिन नाम होता है आर्जेंटम, इसीलिए इसका संकेत Ag लिखाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए P होना चाहिए या Po होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका संकेत लिखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसका लैटिन नाम क्या होता है। इसका लैटिन नाम होता है कैडमियम, इसलिए इसका संकेत के लिखा जाता है। और बेरियम का वैलेंसी अगर देखा जाए तो प्लस टू होगा, स्टेनस का प्लस टू, स्टेनिक का प्लस फोर होगा, क्रोमिक का होगा प्लस थ्री, सिल्वर का होगा प्लस एक, और पोटेशियम का भी होगा प्लस वन। तो ये सब रहा पॉजिटिव रेडिकल, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जहाँ भी अस लगा होगा वहाँ पर उसकी वैलेंसी कम होगी, और जहाँ पे इक लगा होगा उसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी। तो फिर से पॉजिटिव रेडिकल क्या था ये हमने बताया, पॉजिटिव रेडिकल का सिंबल बता दिए, वैलेंसी बता दिए हैं। इन सारी चीज़ों को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए,
और इसका एक असाइनमेंट बना लीजिए, इसे फेयर कर लीजिए। अब हम शुरू करने वाले हैं कि निगेटिव रेडिकल क्या है। केवल पॉजिटिव रेडिकल के जगह निगेटिव रेडिकल कर देंगे। आइए तो देखते हैं निगेटिव रेडिकल। एक एक चीज को हमने आपको अच्छे से बताया, इन सारे चीजों को ध्यान में रखेंगे आप। अब हम बात करेंगे निगेटिव रेडिकल। निगेटिव रेडिकल, देखिए निगेटिव रेडिकल का एक और नाम होता है एसिडिक रेडिकल। इसको हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक मूलक, इसको हिंदी में कहते हैं अम्लीय मूलक, यानी कि इसको कहेंगे ऋणात्मक। इसको मिटा देते हैं मूलक, और इसको कहते हैं हम अम्लीय मूलक। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा। हमने आपको पॉजिटिव रेडिकल का डिफिनेशन बताया कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो उसे हम पॉजिटिव रेडिकल कहते हैं। लेकिन 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 निगेटिव रेडिकल क्या है इस पर हम बात करेंगे। इसमें लिखेंगे कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर पहले से वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर पहले से निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज अवेलेबल हो, तो उसे हम निगेटिव रेडिकल या एसिडिक रेडिकल कहेंगे। फिर से, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर पहले से निगेटिव चार्ज हो तो उसे हम निगेटिव रेडिकल कहेंगे। और एक और बात, निगेटिव रेडिकल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को लेगा, पॉजिटिव रेडिकल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। और निगेटिव रेडिकल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक पॉजिटिव हुआ, दो इलेक्ट्रॉन को निकाला, दो पॉजिटिव हुआ। अगर इसी तरह से अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो ऐसे सिचुएशन में ए पर माइनस होगा, बी में दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो ऐसे सिचुएशन में बी पर दो माइनस चार्ज होगा। तो निगेटिव रेडिकल क्या है? वैसा परमाणु या वैसा एटम या एटम के ग्रुप जिस पर पहले से निगेटिव चार्ज हो तो उसे हम निगेटिव रेडिकल कहते हैं। और निगेटिव रेडिकल उस सिचुएशन में होगा जब परमाणु या परमाणुओं के समूह इलेक्ट्रॉन को लेंगे, और उस पर उतना ही निगेटिव चार्ज होगा जितना इलेक्ट्रॉन को लेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो एक निगेटिव होगा, दो इलेक्ट्रॉन को लेता है दो निगेटिव होगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं हम कि निगेटिव रेडिकल कौन कौन से होते हैं। इन सारी बातों को हम जानेंगे, आप भी लिखेंगे इसको नेम ऑफ निगेटिव रेडिकल। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि निगेटिव और पॉजिटिव रेडिकल दोनों को मिला करके कंपाउंड बनाना सीखेंगे अगले वीडियो में। इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल का जो आज लिस्ट बन जाएगा उसको घर पे जाकर एक दो बार तीन बार उसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसका सिंबल और उसका वैलेंसी को आप देखते रहेंगे, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला हम चीज करते हैं जैसे क्लोराइड, क्लोराइड के बाद लिखते हैं ब्रोमाइड। यहाँ पे इसका सिंबल लिख देते हैं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। सिंबल का मीन होता है संकेत। क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड आयोडाइड, उसके बाद हम ले सकते हैं हाइड्रा ऑक्साइड,
उसके बाद हम और भी ले सकते हैं, इसके नीचे हम ले सकते हैं नाइट्राइट है, और उसके नीचे ले सकते हैं नाइट्राइड, उसके नीचे हम ले सकते हैं नाइट्रेट। ये तीनों बहुत ही कंफ्यूज करता है, ये नाइट्राइट है, ये नाइट्राइड है, ये नाइट्रेट है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद होता है सल्फेट, उसके बाद लिख देते हैं सल्फाइट, उसके नीचे लिखते हैं सल्फाइड। हम तीनों को एक जगह इसलिए लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर ए लगा हो तो सल्फेट होगा, आई टी ई लगा हो तो सल्फाइड होगा, आई डी लगा हो तो सल्फाइड होगा। अब ऐसे सिचुएशन में इसका सिंबल क्या होगा, इसका हम बात कर लेते हैं। इसका सिंबल सीएल लिया जाएगा, इसका बीआर लिया जाएगा, का एफ आयोडाइड का आई, और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो पहले ओ लिख देंगे और एच लगा देंगे, क्योंकि इसमें ओ दिखाई दे रहा है, एच दिखाई। नाइट्राइट, नाइट्राइट जो होता है या केमिकल कंपाउंड से निकाला जाता है, जैसे एक कंपाउंड होता है NaNO2, इस तरह के कंपाउंड को जब पानी में डाला जाता है, मतलब इसको कहने का अर्थ ये है कि जब इसको हम किसी कंटेनर में रख करके कंटेनर में पानी को डाल देते हैं और पानी को डाल करके फिर इसको मिलाते हैं तो ये लिक्विड हो जाता है, द्रव में बदल जाता है, और जब इसको विद्युत धारा के द्वारा तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद ये बदल जाता है Na+ और NO2-। इसका मतलब ये हुआ Na को प्लस होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और NO2 को माइनस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो एक प्लस है इस पे एक माइनस, मतलब ये खुद का अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और ये ले लिया है। इस तरीके से इसको हम NO2 को नाइट्राइड कहते हैं। तो कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका ब्रेकिंग होता है, जब उसे तोड़ा जाता है तो तोड़ने के बाद भी उसका नेगेटिव रेडिकल बनता है, तो इस तरह से नाइट्राइड जो होता है नेगेटिव रेडिकल होता है, और नेगेटिव रेडिकल ये जो है नाइट्राइड, इसके लिए NO2 होता है, नाइट्राइड इसके लिए N हो जाएगा और नाइट्रेट NO3 होगा। ये ऐसा निकाला गया है, सल्फेट का होता है SO4, सल्फाइड रहेगा ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, SO3 होगा, सल्फाइड का S हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको बताया वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजकता। वैलेंसी का हिंदी क्या होता है, संयोजकता होता है। देखिए वैलेंसी का मतलब संयोजकता होता है, लेकिन हम अभी आपको पॉजिटिव रेडिकल जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे, क्या बताए थे कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसकी संख्या वैलेंसी कहलाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होगा कि जब कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन को लेगा उसकी भी संख्या को वैलेंसी कहेंगे, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो उस पर एक प्लस होगा, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ रहे हैं तो उस पर क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे ए एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो इसलिए ए वो प्लस है, तो इसकी वैलेंसी जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्लस वन इसका वैलेंसी होगा। लेकिन यहाँ पर बी जो है एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, माइनस होगी। मतलब ये कि परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उसकी संख्या वैलेंसी होगी, और परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसकी भी संख्या को वैलेंसी कहेंगे।
फाइनली हम बोल सकते हैं कि जब कोई परमाणु या परमाणु का समूह यदि इलेक्ट्रॉन को निकालता है या इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसकी संख्या को हम वैलेंसी कहेंगे। एक बार और लास्ट, जब परमाणु या परमाणुओं का समूह यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसकी संख्या, यदि इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसकी संख्या वैलेंसी कहलाता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है इसलिए इसकी वैलेंसी माइनस एक होगा, इसका भी माइनस एक, सब एक एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ये कर्जदार हो जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, माइनस में हो जाएगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लेता है माइनस में होगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लेता है माइनस में होगा, ये तीन इलेक्ट्रॉन को लेता है, 3 लाख रुपए लेता है, इसलिए इसका वैलेंसी माइनस 3 होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, चलिए अच्छी बात है। नाइट्रेट है ना, सॉरी नाइट्रेट है तो एक इलेक्ट्रॉन को लेता है इसलिए इसकी वैलेंसी माइनस एक होगा, इसका होगा माइनस टू। अब थोड़ा सा हम और नीचे चलते हैं, ये सब हो गया। इसके बाद आपका आता है कार्बोनेट, कार्बो नेट ऑक्साइड, ऑक्साइड एक और ले लेते हैं, परऑक्साइड, ऑक्साइड परऑक्साइड इस तरीके का हो जाएगा, या हम ले सकते हैं क्लोरेट, क्लोरेट पर, क्लोरेट पर, क्लोरेट, एक एक चीज को आप नोट करते रहेंगे अपने कॉपी पर। इसके बाद हम ले सकते हैं हम पर मैंगनेट, पर मैंगनेट, पर मैंगनेट ले सकते हैं। इसके बाद हम ले सकते हैं फॉस्फेट, इसके नीचे हम ले सकते हैं फॉस्फाइट, इसके बाद हम मारा हो जाएगा फॉस्फाइट। आइए इसका सिंबल देख लेते हैं, कार्बोनेट रहेगा तो इसके लिए CO3 दीजिएगा फॉर्मूला के तौर पे, और इसका जो होगा हमारा हो जाएगा O हो जाएगा, परऑक्साइड जो होगा इसके लिए O2 होगा, क्लोरेट जब भी रहेगा Cl होगा, O होगा, पर क्लोरेट है ना, सॉरी क्लोरेट रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में ClO3 हो जाएगा, पर क्लोरेट ClO होगा, पर मैग्नेट MnO4 होगा, पर मैग्नेट। इसके बाद होगा फॉस्फेट PO4, फॉस्फाइड PO3, फॉस्फाइड P हो जाएगा। अब ये जितने इलेक्ट्रॉन को लेंगे उसकी संख्या वैलेंसी कहलाएगा। कार्बोनेट में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर, दो इलेक्ट्रॉन को लेता है इसलिए वैलेंसी -2 होगा, ऑक्साइड का होगा -2 और परऑक्साइड का भी होगा -2, क्लोरेट का सावधान रहेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन को लेता है इसलिए इसकी वैलेंसी -1 होगा, इसका भी -1 होगा, इसका भी -1 होगा, इसका होगा -3 -3 -3। केवल फॉर्मूला का अंतर होता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके आगे, ये जो हमने लिखा हुआ है इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बार फिर से रिप्ले कर रहा हूँ, कार्बोनेट रहेगा तो CO3 -2 होगा, ऑक्साइड जब भी बोला जाए O लिखेंगे -2 लिखेंगे, पर ऑक्साइड रहेगा O2 लिखेंगे -2 लिखेंगे, क्लोरेट ClO3 होगा -1 होगा, पर क्लोरेट ClO -1, पर मैग्नेट MnO4
फॉस्फेट PO4 माइनस 3, फॉस्फाइड PO3 माइनस 3 होगा और फॉस्फाइड P माइनस 3 हो जाएगा। ओके, अब कुछ ऐसा नेगेटिव रेडिकल है जो हाई क्वालिटी का होता है तो उसे भी हम बता देते हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक आता है साइनाइड, साइनाइड, उसके बाद आता है एक और एसीटेट, एसीटेट, उसके बाद होता है फॉर्मेट। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे कि एसीटेट और फॉर्मेट क्या है, चिंता करने की बात नहीं है। साइनाइड रहेगा तो इसके लिए CN लगा देंगे, C और N। एसीटेट का होता है CH3COO, फॉर्मेट रहेगा HCOO हो जाएगा, इसकी वैलेंसी माइनस एक, इसकी वैलेंसी माइनस एक, इसकी वैलेंसी माइनस एक। तो ये रहा हमारा नेगेटिव रेडिकल, और इस नेगेटिव रेडिकल का हमने आपको सिंबल बताया, वैलेंसी बताया, लेकिन मैं आपसे एक बात बोल देना चाहता हूँ, एक शब्द यूज होता है, जरा देखेंगे, बाई, इसको हम बाई पढ़ते हैं। याद रखिएगा, अगर जिस नेगेटिव रेडिकल में अगर बाई शब्द लग जाए तो बाई शब्द का मतलब एक होता है ओनली वन हाइड्रोजन, रिमेंबर इट, आप इसे याद रखेंगे कि अगर बाई शब्द जहां भी रहता है तो उसके लिए केवल एक हाइड्रोजन होता है। और एक और चीज है कि बाई शब्द जहां भी आ जाए, दुनिया का कोई भी निगेटिव रेडिकल अगर ली जाए, अगर बाई शब्द आता है तो वैसे सिचुएशन में उसका वैलेंस ही माइनस वन हो जाएगा। सबसे पहला बाई का स्पेलिंग BI, बाई का मतलब क्या होता है, ओनली वन हाइड्रोजन, बाई शब्द जहां भी आएगा उसके आगे केवल एक हाइड्रोजन लगा देंगे, उसकी वैलेंसी प्लस टू हो, प्लस थ्री हो, प्लस फोर हो, लेकिन बाई लगा देने से उसकी वैलेंसी माइनस वन हो जाए। जैसे आप देखेंगे, सो हम लिखते हैं बाई कार्बोनेट, तो बाई कार्बोनेट के लिए देखिए क्या हो, बाई के लिए हो जाएगा एच, कार्बोनेट का हो जाएगा सीओ, बाई कार्बोनेट हो गया, और कार्बोनेट का वैलेंसी देखिए माइनस टू होता है, लेकिन माइनस टू के जगह अब माइनस वन हो जाएगा। अगर हम सल्फेट की बात करने लगे तो बिल्कुल प्यारा सा ही बात होगा, तो सल्फेट का एसओ फोर होता है, लेकिन सावधान रहेंगे अगर इसमें बाई लग जाए तो व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ एच लग जाएगा और वैलेंसी एसओ फोर का माइनस टू से माइनस वन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का क्लास टेंथ के केमिस्ट्री में पहला लेसन, जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है उसमें हमने आपको बेसिक चीज बताया, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल, और पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को हमने आपको समझा दिया। आप एक काम करेंगे, हमने जो आपको पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल पढ़ाया है, इस पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल को आप मेरे वीडियो को देखिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, और उसको घर पे वर्क के रूप में, होमवर्क के रूप में इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे फॉर्मूला के साथ, अगले वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को मिलाकर फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। और ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल अगर आपको जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको फॉर्मूला बनाने नहीं आएगा, और जब तक फॉर्मूला बनाने नहीं आएगा तो केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आएगा, क्या बनता है ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को कंप्लीट कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए, अगर आप हमें थोड़ा सा मौका देंगे तो हम आपको बहुत कुछ देंगे, इसलिए आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे निराश मत कीजिए। मैं पूरा लगन के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे तरह से पढ़ाऊँगा, अगले वीडियो लेकर आऊँगा नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।